She's a passionate believer in India's unique civilization, legacy and pluralistic culture, which she documents through her writings, podcasts, and videos. She's also published this book called The Tales from the Quran and Hadith. She has translated both the editions of Sir Saeed Ahmad Khan's seminal work on Delhi, Asar Us, Asar Us Sanadid and e Ghadar, and several other books. मेन बात यह है राना एक बहुत ही अकाम्पलिश स्कॉलर हैं जो सूफीज़म के इतिहास को ना केवल इंडिया के अंदर ट्रेस करती हैं पर साथ साथ ये भी बताते हैं कि कंटेम्प्रेरी सूफ़ी प्रैक्टिस कैसी लगती है इंडिया में किस किस प्रकार के सूफी सिलसिले हैं क्या नुसरत फतेह अली खान और बॉलीवुड एक्यूरेटली रिप्रजेंट करते हैं सूफी ट्रेडिशन को एंड वज इट टेक टू बी सूफी इन दी फर्स्ट सेंचुरी दिस पॉडकास्ट विद राना साफी थ्री टू वन फर्स्ट ऑफ ऑल राना टू से थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग योर वे फ्रॉम ऑल द वे वर यू लिव टू फरीदाबाद आई नो इट इज़ नाइट पे टू गेट ह्योर बट नाउ दूर ह्योर आई एम सुपर एक्साइटेड टू वेलकम यू द पॉडकास्ट बिकॉज आई स्पेंड द लास्ट थ्री फोर डेज जस्ट रीडिंग थ्रू योर बुक एंड आई हैव सो मेनी क्वेश्चन एंड हम इसे हिंदी में करेंगे ताकि हम ज़्यादा दर्शकों को रीच कर पाएँ फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो देर आव बिन सेवरल बुक्स रिटन ऑन सूफीज़म इन फैक्ट पॉप कल्चर के अंदर हम सूफीज़म को या सूफी ट्रडिशन को कवाली से एसोसिएट करते हैं जॉन ऑफ म्यूजिक और सूफी म्यूजिक जिसके अंदर बहुत सारे बॉलीवुड के लोग एक आध पोएम बो करके उसे सूफी म्यूजिक बना के कर देते हैं बट यू रोड एन एंटायर बुक ऑन सूफीज़म एंड यू वॉन्ट टू डॉक्यूमेंट इंडिया स्पेसिफिकली इन सर्च ऑफ दिवाइन लिविंग हिस्ट्रीज ऑफ सुफीजम इन इंडिया द पीपल कैन चेक आवर एंड बाई Why did you decide to write such a fat book on 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 a topic as as some would say gitpura direct experiences Uh, सबसे पहले तो तहे दिल से शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ बुलाया एंड uh, जहाँ तक इस किताब का सवाल है जैसे कि आपने भी कहा कि लोग जो हैं कव्वाली से एसोसिएट करते हैं सूफिज़म को आजकल के ज़माने में लोग सूफिज़म को कव्वाली से या पेंटिंग से या म्यूज़िक से ही सिर्फ़ एसोसिएट करते हैं और कहीं ना कहीं भूल गए कि सूफिज़म असल में है क्या तो जब मैंने ये किताब लिखी तो यही सोच के लिखी कि सूफिज़म जो है ना वो जैसे कि एक हिंदुस्तानी बहुत पुरानी एक पैरबल है कि पांच लोग जाते हैं दे आर ब्लाइंड एंड दे गो एंड टच अ एलिफेंट तो कोई पूंछ छूता है कोई ट्रंक छूता है कोई पैर छूता है कोई कान छूता है और उसके हिसाब से वो उसको डिस्क्राइब करते हैं वो उनके अपने एक्सपीरियंसेस थे ये किताब मेरे एक्सपीरियंसेस से है और अकेडमिक रिसर्च भी है पर्सनल रिसर्च भी है और मैं ये चाहती थी कि सब तक ये पहुँचाऊँ बहुत ही आसान जबान में बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही प्यार से कि सूफिजम जो है वो सिर्फ़ कवाली नहीं है बहुत कुछ है इसमें तो पूरी एक दुनिया समाई हुई है कवाली तो इसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा है तो इस किताब को जब मैंने लिखा तो इसके तीन सेक्शंस हैं पहली किता पहला सेक्शन तो मैं इस्लाम के बारे में बात करती हूँ क्योंकि जब तक आप इस्लाम ना समझें तो सोफिजम नहीं समझ सकते उसके बाद फिर द प्रोफिट एंड हिज हाउस होल्ड विच इज़ कॉल अहरे बैथ एंड देन आई टॉक ऑफ द स्प्रेड ऑफ सोफिजम इन द वर्ल्ड एंड देन हाउ इट कम्स टू इंडिया फिर यह इंडिया स्पेसिफ़िक हो जाती है किताब उसके बाद सेकंड सेक्शन जो है वो सिलसिले हैं क्योंकि जब सूफिजम थोड़ा आई थोड़ा सा जब फैला हिंदुस्तान में तो ऑर्गेनाइज होने शुरू हुए लोग और उसके बाद बारहवीं तेरहवीं सदी से ये सिलसिलों का सिलसिला शुरू हुआ कि चेन ऑफ ट्रांसमिशन के एक जो सेंट है वो पीर है उसके बाद उसने बहुत सारे उसके मुरीद हैं डिसाइपल्स हैं उनमें से एक मुरीद को जिसको वो समझता है कि ये सबसे काबिल है उसको वो अपना खिला खलीफा बनाता है दैट मीन्स सर, और वो उसको खिलाफत देता है चेन ऑफ ट्रांसमिशन एंड ईच सटिकुलर कस्टम तरीके होते हैं उनके तो एंड दर्ड सेक्शन इज दैन हाउ डज अ डिवोटी इंटरक्ट विद द श्राइन क्योंकि अब जो है वो वो पीरी मुरीदी का सिलसिला तो अब बहुत कम हो गया है आपको श्राइन्स के ऊपर ज़्यादातर लोग जो हैं वो श्राइन्स के लिए ही आते हैं तो हाउ डज़ वन इंटरेक्ट विद द डिवाइन वन ऑफ दोज इंटरेक्शन इज़ द कव्वाली दैट इज मिस्टिकल म्यूजिक मिस्टिकल पोइट्री आर्किटेक्चर है बहुत सी चीज़ें हैं इन वेज इन विच अ डिवोटी एक्सप्रेस हिमसेल्फ तो ये इसलिए किताब जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब मैंने इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें कवर करने की कोशिश की हैं और आ, कुछ अभी भी कुछ रह गया क्योंकि फिर मुझे लगा कि तो फिर ज़िंदगी निकल जाएगी इसको लिखते ही लिखते क्योंकि ये तो इन सर्च ऑफ द डिवाइन जब आप लिख रहे हैं तो ये तो एक उम्र भर की सर्च है राइट right, राइट right. और uh... कुछ लोगों ने आपको ऐसा नहीं कहा कि यार आप तो सूफी नहीं हो बिकॉज आपने किताब के अंदर स्टार्टिंग uh, में मैंशन है कि कुछ लोग होते हैं जो पूरी तरह ट्रेडिशन के अंदर बिल्कुल घुस जाते हैं और फिर स्परिचुअल डिसिप्लिन प्रैक्टिस करते हैं कोट इन कोर्ट लेकिन जो लोग जिन लोग मतलब जो फुली इमर्स नहीं है वो आपकी तरह हैं जो लिख सकते हैं उसके बारे में जान सकते हैं सो लाइक डिड यू फील लाइक यू बिकेम क्लोज़र टू द सब्जेक्ट ऑफ गॉड एंड द डिवाइन वैन यूर राइटिंग दिस बुक इस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस बुक द वन थिंग दैट आई लर्न एंड दैट वाज़ बिकॉज मैं इतना ज़्यादा पढ़ रही थी ऑफ द लाइफ ऑफ द सेंट्स दम कि मैं एक तो सब्र सीखा मैंने आई एम वेरी इम्पेश पर्सन मतलब जैसे जो कहते हैं ना कि आज आज होने के बदले कल मतलब ही मतलब ये स्टोर नहीं हो जाना चाहिए था कि मुँह से निकली बात और पूरी हो जाए uh. इस तरह से होता नहीं है लाइक वन सूफी मीडियम दट आई मेट ही टोल me. ही said आप बहुत नो जिद करती हो अल्लाह जो है वो पूरा करता है काम लेकिन अगर तुम्हारे हक़ में होगा तो करेगा तुम जिद मत किया करो सो यू नो दीज थिंग्स के <laughs> मतलब मुझे ये चाहिए तो ये चाहिए बच्चों की तरह अब आप एक ज़िद लेके बैठ जाए लेकिन हो सकता है हमारे हक में बेहतर ना हो जैसे एक कहावत है कि अगर तुमने जो मांगा वो मिल गया तो बहुत अच्छा है और तुमने ना मांगा तुमने जो मांगा वो ना मिले इसके मतलब वो अल्लाह की मर्जी है सो दैट्स इवन बेटर फॉर यू सो दीज आर थिंग्स यू नो लाइक व्हेन यू हैव आई एम अ बिलीवर एंड अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम

इस दैट इज़ द रीज़न फॉर द पॉपुलरिटी ऑफ द सूफी सेंट्स क्योंकि उन्होंने मज़हब मिलत नहीं देखा कि कोई फ़र्क किया हो किसी मज़हब के बीच में या बिटवीन रिलीजियस सेक्स और कास्ट और एनी उनके लिए हर कोई जो था वो खुदा का बंदा था और खुदा का बंदा है इसलिए ही इज़ वर्दी ऑफ बींग सर्वड तो देट इज़ समथिंग दैट यू नो लाइक इज हैज बीन माई बिलीफ राइट फ्रॉम द टाइम आई वॉज बॉर्न दैट्स वॉट माई पेरेंट्स बिलीवड इन माई ग्रैंड पेरेंट्स दैट्स वॉट मी कि वो रब्बुलमी है दैट मीन्स इज़ लॉर्ड ऑफ़ द यूनिवर्स देर आर वेरियस वेज़ ऑफ़ रीचिंग है एंड एवरी जिसको वो उनका है हजरत नामुद्दीन अलिया करना हर कौम रास्तरा तो के हर आ, कौम के हर कम्यूनिटी के अपने एक तरीके हैं खुदा तक पहुँचने के वो जिस नाम से भी उनको बुलाए तो हम कौन होते हैं कहने वाले कि ये सही है कि वो गलत है हम अपने अपने तरीके से खुदा के पास पहुंच hmm. रहे हैं एंड इफ दैट मेक्स अस अ बेटर पर्सन दैट इज़ व्हाट रिलीजन इज ऑल अबाउट फेथ इज ऑल अबाउट तो एक तरीका इनमें से है तुफ़ तस्फ़ आई कैन नेवर इट राइट यू कैन इट बेटर उस पर आप टिप्पणी कर सकते हैं बिकॉज ये जो ये जो वर्ड है ये किताब के अंदर आता है इट्स द क्रक्स ऑफ हाउ यू एक्सपीरियंस गॉड तफ़ जो है उसी से ये लफ्ज़ सूफ़िज़म आया है सूफ़िज़म का लफ् जो है अठारहवीं सदी तक इस्तेमाल नहीं होता है तस वो इस्तेमाल होता है सूफ़ी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है क्योंकि ये मैंने किताब में भी एक्सप्लेन किया कि कहाँ से ये कहते मतलब तीन चार अंदाजे लगाए जाते हैं जो सबसे ज़्यादा क्रेडिबल अंदाजा है वो ये है कि ये जो शुरू के जो सूफ़ी सेंट्स थे वो बहुत एसेप्टिक थे और वो एक बहुत ही रफ़ सा एक लोग पहनते थे ज, जिसको सूफ से बना होता था वुल से बना होता था उससे लव सूफी आया अगर आप देखेंगे भी तस्वीरें पुरानी पेंटिंग्स पेंटिंग हैं जो बनाई रहती है उसमें वो एक ब्राउन सा कुछ कोट सा पहने रहते हैं वुल का एंड um, जो क्रिश्चियन हर्मिट्स थे और वो थे वो लोग भी इसी तरह का कुछ पहनते थे तो ये uh, लफ सूफी तो वहाँ से आया तसव्वुफ जो है वो इस कंटेम्पलेशन ऑफ गॉड आखिर हर इंसान जो है वो खुदा को अगर ढूंढ रहा है तो क्या चाहता है कि उसके खुदा के बीच में दूरियां हट जाए सो so, वो तरीका मतलब वो क्या तरीके हैं अब हर कोई नहीं पहुंच सकता हम तो वही है ना जो उनका के माला लेके हाथ में सुम, सुमिरन करने तो बैठ गए लेकिन दिमाग में तो फिर उस वक्त के कढ़ाई जल रही है कि सब्ज़ी खरीदनी है कि सब्ज़ी वाला बुला रहा है कि फ़लाने मेरे लिए ये कह दिया और हर तरह की खराफाती ख्याल दिमाग में आ जाते हैं so, सो दिस तस्वो वेन यू एक्चुअली फील क्लोज टू गॉड वेन एवरी थिंग एल्स सीज टू मैटर सो दैट इज द मिस्टिसिज्म विच इज़ वॉट इज दिंग ऑफ सूफियाज़म या हम लोग आई थिंक कंटेम्प्रेरी कल्चर के अंदर वन वी टॉक अबाउट सूफीज़म सब लोग हैंग अप हो जाते हैं मिस्टिक वर्ड पर और उसी के ऊपर टिप्पणी करते रहते हैं कि मिस्टिक है uh, ये uh, बहुत ही ऐसी प्रोफेटिक बातें करेंगे mm. या फिर एक एक और जो कॉमन ट्रोप आता है ऐसे मिथ्स होते हैं कि वर्लिंग डर विश तो अज्यूम करते हैं कि भाई अगर आपके आसपास कोई दरगाह है तो वहाँ पे सब लोग वर्ल्ड कर रहे होंगे <laughs> ये बातें कंटेम्प्रेरी इंडिया में कितनी सच है अब ये इज देयर लाइक एन एक्चुअल ट्रोप वेयर यू नो पीपल आर सो एक्सटैटिक दिययर यू नो वर्ल्डिंग नहीं ये इसको वशद कहते हैं वश्द मीन्स द स्टेट ऑफ़ एक्सटेसी व्हेन यू फॉरगॉटन एवरीथिंग एल्स एक्सेप्ट गॉड एंड यू जस्ट फील दैट विद इन यू सो दैट इज़ दैट स्टेट ऑफ वश्द और एक्सटेसी इन इन विच यू स्टार्ट वर्लिंग ये वर्लिंग दरवेश मौलाना रूमी की uh, जो वो है uh, मसोलियम जो है कौनिया में वहाँ पर बहुत मशहूर है और वहीं से ये और जगह फैले लेकिन समा में खड़े होकर नाचना जिसमें आप शुद्ध बुध अपनी भूल जाएँ ये तो बहुत होता था इनफक्ट कुतुब साहब जो हैं ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो दिल्ली के बहुत बड़े सेंट थे जिनके खलीफा जो हैं वो बाबा फरीद थे उन उनकी उनको जो कहते हैं कि उन्होंने जब पर्दा किया दैट इज़ वैन ही लेफ दिस वर्ल्ड इट वॉज़ इन अ स्टेट ऑफ वश बिकॉज ही ऑफ सम समर्सिस दैट ही हर्ड सम मिस्टिकल वर्सेज दैट ही हर्ड जिसमें अच्छा मिस्टिकल का मतलब ये होता है समथिंग विच हैज़ डिवाइन मीनिंग्स तो जैसे हम बहुत ही सिंपल सी चीज़ है अमीर सुरु की कवाली है छाप तिलक सब छीना छीनी रेमो से नैना मिला के अब आप इसको अपने महबूब के लिए भी समझ लीजिए तो भाई महबूब ने मुझे देखा वो बहुत खूबसूरत लग रही थी मैं जो है महबूबा के उसमें अपने सब भूल गई या मेरा महबूब था वो बहुत अच्छा लग रहा था मैं अपनी सुदबुद भूल चुकी हूँ उसको देख के और या तो फिर आप इसके अंदर मिस्टिकल मीनिंग निकालिए कि मैं अपने खुदा में इतनी लीन हो गई हूँ कि मैं हर चीज़ भूल गई दुनिया की उसने मेरी तरफ एक नज़र डाली मेरी आइडेंटिटी ख़त्म हो गई तो यू नो दैट इज़ वॉट मिस्टिसिज्म इज़ अबाउट

हम कर रहे हैं दैट इज आई कैन टॉक अबाउट इट बिकॉज आई हैव आई एम स्टैंडिंग आउटसाइड सो वट यूर कि जिन लोगों के डायरेक्ट एक्सपीरियंस लाइक द ऑल द सेंट्स दैट यू मैं इन द बुक डिड द नॉट राइट या अकाउंट्स कि मेरे साथ ऐसा हुआ दिस इज वन आई सॉ गॉड और द डि मौलाना रूम बट बियॉन्ड uh, दैट जिनको डायरेक्ट एक्सपीरियंस हुआ था उनके एक्सपीरियंस किसी और ने लिखे नहीं नहीं वो उन्होंने काफ़ी लोगों ने अपने लिखे हैं उनके लेटर्स हैं उनकी कॉरिस्पॉन्डेंसेज हैं उनके ऊपर लोगों ने लिखा जैसे अमीर खुजरो के ऊपर उनके जो शागिर थे डिसाइपल थे अमीर खुर्द उन्होंने लिखा है हसन सजी ने लिखा है लेकिन वॉट आई मेन वॉज कि इफ आई हैव अ डायरेक्ट एक्सपीरियंस विद गॉड एंड आई होप इंशालापेन्स वन डे आई हैड मेनी मिस्टिकल एक्सपीरियंसिस बट <laughs> अगर होता है तो आई वुड नॉट गो टॉकिंग टू एवरीबडी अबाउट इट बिकॉज दैट वुड बी समथिंग वेरी पर्सनल एंड प्राइवेट अगर hmm. कोई सेंट बात कर रहा है तो वो इसलिए कर रहा है ताकि वो अपने मुरीदों को समझा सकें hmm. कि ये तरीका है इस तरह से या दिस इज यू नो लाइक कुछ समझाने के लिए कुछ hmm. लेसन देने के लिए कुछ सीख देने के लिए नॉट टू ब्रैग अबाउट इट सो आई मीन इन द बुक देर आर सेवरल पैसेजेस जहाँ पे कुछ जगह एक जगह मैंने पर्टिकुलर देखा था कि एक सेंट ने दूसरे डिसाइबल को रिप्रमांड करा कि आप हर एज में मत जाइए आप अपनी बात को फैलाइए no. तो इज देयर लाइक अ डिस्टिंक्शन इन द सूफी वर्ल्ड कि जहाँ पे कुछ लोग प्रेफर लाइक अ रिक्लूसिव लाइफ और कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं हम डायरेक्ट एक्सपीरियंस लेंगे गॉड का लेकिन फिर भी जाके बाहर उसका प्रचार भी करेंगे क्योंकि जब आप इस तरह की चीज़ अगर आपके अंदर है एंड यू हैव द कैपेसिटी टू रीच आउट टू अदर्स फिर आप संन्यास लेके नहीं बैठ सकते Hmm. वैसे भी इस्लाम डज नॉट इनकरेज सन्यास ओके यू हैव टू लिव इन दी अगर आप सुनेंगे ना तो कभी भी जब होता है जैसे बादशाहों ने भी अगर अपना वो लिखे हैं टाइटल्स हैं या आप कभी भी किसी चीज़ की बात करेंगे तो दीन व दुनिया की बात होती है हमेशा hmm. तो दीन व दुनिया दीन दुनिया में रह के दीन संभालना दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हम अकेले कहीं बैठे हैं कमरे में तो हमें कहीं गुनाह करने की कोई मौका ही नहीं है हमारा right. असली इम्तहान तो जब है कि जब हम दुनिया में रह के और सब टेम्टेस के बीच में रह के अपना ईमान बचा सकें Hmm. Uh, इस पर मैं ये बात करना चाहता हूँ कि मैंने आई टुक द क्लास इन सुफी इन कॉलेज आई नोटिस कि जब एक तरह का प्लेफुल इंटरप्रटेशन ऑफ इस्लाम आना शुरू हुआ विच वाज़ वॉट मोस्ट पीपल कंसिडर सुफीज ऑफ द टाइम

जो इस्लाम रसूल ख़ुदा पीस बे पॉनिम ले के आए थे दुनिया में वो बहुत सादा था खुदा को एक मानो और उसके बंदों के साथ अच्छा करो हाँ ये दिस मतलब मैं एक बात कह रही हूँ छोटा बहुत ही सिंपलिक बुट कर रही हूँ मैंने इस किताब में डिस्क्राइब किया है हदीस से जिसमें रसूल खुदा बैठे हुए हैं मस्जिद में एंड अ पर्सन कम्स वेयरिंग वाइट क्लोथ्स ही इज यू नो लाइक ही द लुक्स लाइक अ ट्रैवलर बट हिज क्लोथ्स आर नॉट डर्टी दे स्पार्कलिंग वाइट ही कम्स एंड इट्स नेक्स्ट टू हिम एब्सोल्युटली नेक्स्ट टू हिम एंड देन ही हिम सर्टेन क्वेश्चंस

ओके अख्लाक इज़ योर कैरेक्टर, योर एक्जेंपलरी कैरेक्टर ट्रीट्स एंड एहसान इज़ डूइंग ब्यूटिफुल को ड्रीट्स एहसान किसी के ऊपर फेवर करना नहीं है एहसान ओवर हियर इज डूइंग ब्यूटिफुल थिंग्स. दिस इज़ वॉट रसूल ख़ुदा एक्सप्ल इज़ यू नो हार्ट ऑफ इस्लाम एंड देन ऑफकोर्स वो जो इस्लाम के पिलर्स हैं के हज जक़ात नमाज रोज़ा वो सब तो है सो right. so, uh, जो सूफी सेंट्स थे वो नमाज और रोजे सब पढ़ रहे थे ये नहीं था कि वो क्योंकि गाना सुन रहे थे इसलिए उन्होंने कहीं अपना मज़हब छोड़ दिया जो भी एंड उन्होंने द चिश्ती सिलसिला एक्चुअली लिसन टू म्यूजिक इट वाज समा म्यूजिक समा में दे लिसन टू म्यूजिक बिकॉज इट वाज फॉर देम अ मीडियम टू बिकम गो इन टू वज एंड बिकम क्लोजर टू गॉड दे नॉट लिसन टू इट फॉर एनी खुराफाती रीजन सो इट वॉज जस्ट अ मीडियम ऑफ रीचिंग द डिवाइन अपार्ट फ्रॉम दैट उनके जैसे इन सब सारे सूफी सेंट्स के रातें गुजर जाती थी नमाज़ें पढ़ते पढ़ते जिक्र करते करते दुआएं पढ़ते पढ़ते दिन में वो ये एहसान और अखलाक का रसूल ख़ुदा के जो ट्रेडिशन हैं उसको फॉलो करते थे कि आप लोगों के साथ अच्छा कर रहे हैं आप अपने कैरेक्टर से दिखा रहे हैं कि किस तरह से मतलब इसको फॉलो करो सो दोज आर थिंग्स विच प्लेस इट वेरी फर्मली विदिन इस्लाम और इस्लाम से अलग हो ही नहीं सकता ये एंड जो मेन प्रॉब्लम आती है इट्स आर एड वे जब आप बीच में से इंटरमीडिएट हटा लेते हो या फिर आप म्यूज़िक uh, की बात करते हो लाइक बेस ऑन आई रेड लाइक आई थिंक म्यूज़िक अ पर्टिकुलर कंटेंशियस इशू विद और डॉक्स राइट कि आप म्यूज़िक परमिट yeah. नहीं कर सकते बिकॉज दर वीड टू लाइसेंटियस बेहेवियर ये सब yeah. होगा तो इसके भी ना बहुत सारे क्या कहते हैं कंडीशंस है चिश्ती से यूज इट फॉर एज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेटिंग विद द डिवाइन एंड हैविंग दो डिवाइन एक्सपीरियंसिस तो इसके बहुत सारे कंडीशन हैं कि आप जिस माहौल में सुने म्यूजिक जो है उस माहौल में बहुत एक प्योरिटी के साथ होनी चाहिए और जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि आप अगर ये सुन रहे हैं uh, Uh, कोई भी कवाली आप सुन रहे हैं से फॉर इंस्टेंस बहुत वो है क्या कहते हैं रसूल ख़ुदा की तारीफ़ें हैं हमद जिसको कहते हैं पहले तो शुरू होता है अल्लाह की तारीफ़ से फिर हमद होते हैं फिर मनक, मनकबात होते हैं जिसमें भरतली की तारीफ़ है यू गो इन टू दैट समा जैसे आज के ज़माने में बहुत पॉपुलर है नुसरत फ़तेह अली खान hmm. नुसरत फ़तेह अली खान के uh, कवालियाँ सुन के आई नो मनी पीपल हु गॉन इन टू दैट स्टेट दे कैन जस्ट विजुअलाइज वॉट ही इज़ सेंग वो right. तो, तो सिर्फ गा रहे हैं ना लेकिन आप विजुलाइज़ कर रहे हैं तो दैट दोज़ ऑफ मतलब वो भी फिर भी वेम्बली हॉल में गा रहे हैं या कहीं किसी उसमें गा रहे हैं हॉल्स में तो वहाँ पे हर तरह के लोग बैठे हैं लेकिन जब सूफ़ी महफिल में जब ये हो रहा है उनके खानका में हो रहा है उनके समा उसमें हो रहा है या जैसे यहाँ पेजाम उलिया के ख़ानक में वो जो यानानी चबूतरा था जहाँ पर कवालियाँ होती थी दैट्स अ वेरी कंट्रोल्ड एटमोसफियर तो इसमें मैंने किताब में पूरा जिक्र भी किया है कि जब इनके ऊपर कैसुद्दीन तुगलक ने के काज़ी ने ये इल्ज़ाम लगाया था कि म्यूज़िक हराम है एंड ही लिसन्स टू म्यूज़िक सो ही शुड बी यू नो लाइक रिप्रमांडेड फॉर दैट तो उन्होंने अपनी सारी क्या कहते हैं दलीलें दी थी हदीस से दी थी रसूल खुदा के एग्जाम्पल से दी थी कि हाउ यू कैन मतलब आई एनाल इट इज़ नॉट के मतलब कवाली का मतलब इन दिस सेंस हम महफिल में ये नहीं है कि आप झूम बराबर और झूम शराबी गाएँ और उसको शराब से इक्वेट करें Hmm. जब शराब मैं शराबी हूँ उन्होंने गाया है अजीज़ मियाँ ने तो वो शराबी किसकी शराबी हैं वो लिस्ट करते हैं कि रसूल ख़ुदा के शराबी अल्लाह के शराबी रसूल खुदा के शराबी उनके बैत के शराबी एंड हियर शराब ए बिकम्स प्योर वाइन दैट इज़ द डिवोशन एंड द लव तो इसमें सूफीज़म सूफ़ी जो फिलोसफ़ी है उसको समझने के लिए यू कि खुदा जो है वो साकी है दैट इज़ द कपैर और जो वाइन है दैट इज द डिवोशन और जो है वो उनका वो है दर्सन uh, Actually problem यही होती है कि हम उन metaphors को कंफ्यूज कर लेते हैं फेमस रूमी बुक When इट बिकेम फेमस उसके बाद आई थिंक बहुत सारे लोग I would सी लाइक like, Instagram पे नो ड्रिंकिंग रीडिंग रूमी तो दैटमिंग वो वाला और लोगों ने भी ट्रेंड हाँ, पिकअप कर लिया बट आई आई डू नो दैट इट्स अ मेटाफोर यू नो रूमी वाज डीलिंग्ड फ्रॉम इस्लाम रूमी की जो मसनवी है हम लोग مولانا रूमी कहते हैं एंड उनकी जो मसनवी है जिसको ट्रांसलेट किया गया है वो तो मसनवी मसनवी इज अ लॉन्ग पोयम ओके ओके इट्स इन पर्शियन सो हिज मसनवी इज कॉल्ड द पर्शियन कुरान इट्स दैट स्टीप्ड इन मिस्टिसिज्म एंड एंड फेथ या उसको जब ये कोलमन बैंक्स ने ट्रांसलेट किया ही डिलिंगटेड फ्राम इस्लाम एंड एज आई रिमेंबर वन सूफी वन रूमी स्कॉलर मेड अ पोस्टर सेइंग आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर गर्लफ्रेंड आई एम टॉकिंग अबाउट गॉड हाँ एक्चुअली आपने किताब के अंदर ये बात मेंशन करी थी कि रूमी ऑल्सो सिट्स वेरी ऑफ इस्लाम बट इज दैट की

वो आपको अपील करेगी आपके सेंसिटिटी के हिसाब से hmm. आप उससे क्या समझोगे वो आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस से ही होगा ना आपके सुख दुख का माप जो है वो आपके अपने साधन है हाउ यू रिएक्ट टू समथिंग हाउ यू इंटरेक्ट विद समथिंग इज हाउ यू विल अंडरस्टैंड एनी पोइट्री एनी लिटरेचर एनी तो बट अ सूफी सेंट इज़ फार फॉर्म इवॉल्व फॉर देम टू अंडरस्टैंड समथिंग विल बी इन अ वेरी डिफरेंट कंटेक्सट हमारे लिए विशाल जो है मे बी विद एन अर्थली लवर बट उनके लिए विशाल जो है वो खुदा से विशाल मीन्स यूनियन सॉरी वो रोज द फर्स्ट सेंटेंस मैं समझा नहीं उसका मतलब ऐसे जैसे कि जो सूफी सेंट है हाँ. वो कोई भी शायरी सुनेगा कोई भी गाना सुनेगा कोई भी लिटरेचर का मत, कोई भी लिटरेरी पैसेज या पढ़ेगा या लिखेगा फॉर हिम द इज गोइंग टू बी डिफरेंट फॉर अस इट इज गोइंग टू बी डिफरेंट अगर हम विशाल के बारे में बात करते हैं ना जैसे उनका है फैज का के और भी गम है, है मोहब्बत में क्या सॉरी और भी दुखे जमाने में मोहब्बत के सिवा राहतें और भी हैं वसल की रह, hmm. राहत के सिवा डालते हैं तो वो जो वसल है दैट इज विशाल इज यूनियन Now here he is talking of uh, he is talking of, you know, a larger nationalistic cause. But here it's an earthly vessel a, 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 a union with a, a, a earthly beloved. A human beloved. Okay. But when Rumi talks about it or say Hazrat Amir Khusro talks about Bisal they are not talking about union with a uh, human lover. They are talking of union with God. Because mm. that is the ultimate aim of the Sufi. Okay, mm. up. Where you become one with God, where you lose every other sense except that sense of, you know, like the divine is permeating you.

करते हैं इस फिक्र इज सोचना हाँ। फिक्र इज कंटेम्पलेशन पर फिक्र Think... आज हम जैसे जानते हैं फिक्र को कि यार फिक्र कर रहा था वो हाँ। वो उसको परेशानी के फॉर्म में नहीं हाँ, हो हाँ। नहीं परेशानी के फॉर्म में नहीं है है

जो मेडिटेशन करते हैं योगा में मैंने मेडिटेशन मेडिटेशन आई डन बट बिकॉज़ मैं जब नमाज पढ़ती हूँ right. वक़्त हर चीज़ दिल से निकालने की कोशिश कर रही हूँ कामयाब नहीं होती लेकिन कोशिश करती हूँ कि yeah. हर चीज़ दिमाग से निकाल सकूँ सिवाय अल्लाह के लेकिन वो होता नहीं है बिकॉज हर चीज़ दिमाग में आ जाती है लेकिन दैट इज़ फिक्र मतलब मेडिटेशन है इट्स अ काइंडोर ब्रेथ कंट्रोल वॉज मैं ब्रेथ कंट्रोल मैंने आई हैवन कम अक्रॉस यट बिकॉज आईव ऑफन सीन फास्टिंग पेनेंस ठीक है लम्बा ट्रेवल करना uh, हमिटाज में रहना बिल्कुल कुछ ना खाना आर्म्स पे जीना ये सब मैंने चीज़ें अक्सर सूफी से सोसिएटे देखी हैं स्पेशली द वॉन्स ओवर लाइक डूंग एन अप्रेंटिस पाथ जो प्रॉपर जा रहे होते हैं उसके अंदर बट ब्रैथ कंट्रोल वॉज वॉज वेरी न्यू टू बी सो देर हेज़ बीन अ लॉट ऑफ इन्फ्लुंस ऑफ बुद्धिज़्म एंड ऑफ योगी योगिक प्रैक्टिस इन इंडिया तो आप यहाँ देखिएगा कि ये लोग बेथ कंट्रोल भी कर रहे हैं और जैसे वो दम मदार हैं कि कहते हैं वो उनकी एक एक सांस जो थी पता नहीं कितने सालों चलती थी तो ये आप अगर किसी भी योगी को देखिएगा तो उनकी सांस पर बहुत कंट्रोल रहता है

मास्टर के नीचे सीखते हो द ट्रू पाथ टू अटेन गॉड लाइक दैट गोज़ आर द वे बट इन इन देंशन टाइम्स ठीक है जब जब ये ऑर्डर्स वगैरह इस्टेब्लिश हो रहे थे उस टाइम पे तीन चार स्टीज़ होती हैं जिसको सब लोगों ने अग्री कराया कि पहले एक स्टेज होती है फिर दूसरी होती है फिर तीसरी होती है वो सीज़ क्या हैं जैसे आज के मैं ये नहीं कहूँगी कि पीरी मुरीदी का सिलसिला बिल्कुल ख़त्म हो चुका है हाँ। कम हो गया है बहुत कम है एंड uh, क्योंकि दुनिया की फ़िक्र में लोग लगे हुए हैं ना इसलिए ऊपर वाले की फ़िक्र करने के वक्त हमारे पास कम है लेकिन जब पहले का जो ज़माना था जब खानका होती थी ना खानका इज़ द प्लेस वे सेंट इज़ लिविंग एंड प्रीचिंग दरगाह इज़ द प्लेस वे ही इज़ बेरेडन ओके ओके सो द डिफ्रेंस बिटवीन दैट चिल्ला का इज़ अ प्लेस वे ही इज़ डूइंगज़ पेनेंस इज़ डूइंगज़ मेडिटेशन सो लंगर इज ऑफ कॉर्स द प्लेस जहाँ आप लंगर खिलाते हैं सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन साइड सूफी कॉम्प्लेक्स तो खानका में जब लोग आते थे कोई जैसे हज़रत नजाम अलिया के पास फॉर इंस्टेंस या बाबा फ़रीद के पास फॉर इंस्टेंस बाबा फरीद के पास कोई उनके खानका में आ रहा है तो उनसे मुरीद ही चाह रहा है तो उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल तो हर कोई मुरीद नहीं बनता था वो उसका भी हम लेते थे फिर आप जब मुरीद कैसे लेते हैं मतलब, मुश्किल सवाल यू आर रेडी फॉर इट आर नॉट आई एम नॉट रेडी टू बिकम अ मुरीद मुरीदी बडी बिकॉज आई डोंट हैव दैट काइंड ऑफ आई से डोन्ट टू स्पेंड सो मच टाइम इन गोइंग थ्रू दी स्टेजेस तो एनी वे सो जो बन रहा है उसकी जो स्टेजेस थे पहला था शरिया वे यू हैड टू ग्राउंड योर सेल्फ इन ऑल द रिलीजस स्परिचुअल डॉक्ट्रंस उसके बाद था तरीका वे विच इज़ द पाथ वे यू लर्न दैट फिर हकीकत है वे यू एक्चुअली स्टार्ट डिफ्रेंशिएटिंग बिटवीन

जो है निर्वाण क्या है निर्वाण से ही बहुत इट्स क्लोज टू निर्वाण के फना इज वे यू सब्स्यूम सेल्फ इन द डिवाइन ओके ओके ना यू यू हैव नो आइडेंटिटी लेफ्ट बट फना के बाद द नेक्स्ट स्टेज इज बका बिकॉज देन यू गेट द लाइफ एंड आफ्टर लाइफ ओके इट कैन हैपन मतलब देर आर मेनी पीपल वो uh. जरा

कंसेप्ट लेके आते रहे तो ये फना बका भी नाइन्थ सेंचुरी में आता है वेस्टर्न स्कॉलर्स की सबसे बड़ी दिक्कत ये थी जैसे जैसे टाओ है हम हम वी नो द डाओ राइट इट्स कॉल्ड द डाओ रेजिंग बट वो टाओ इज़ हाँ, बन, हाँ, 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 बन गया ऐसी सूफी सब बन गया इज देयर लाइक एन अदर नेम दैट पीपल यूज टिपिकली फॉर दिस वे ऑफ लाइफ कोई और कोई पर्शियन या अरबिक नाम है इस चीज का अब तो बस सूफी और तसव्वुफ के अलावा और कोई लफ्ज नहीं है यही है अच्छा और जो वेस्टर्नाइज्ड वो है वो सूफीज्म की बात करते हैं अच्छा तो यहाँ से फिर लेट्स ये सब हो रहा है अब ये धीरे धीरे डेवलप हो रहा है दुनिया के अंदर ये जो सिलसिला वाला वेर वेर इट्स सॉर्ट ऑफ गेट्स कोडिफाइड इन 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 एंड अराउंड प्लेसेस जहाँ पे एक सेंट होता है और उसके नीचे लोग आते हैं हाउ डज दैट कम अराउंड वो वो गवर्नेंस स्ट्रक्चर कैसे आता है ऐसे डिसाइड कैसे करते हैं कि अब हम

ट्राइब इन द बुक विच ख्वाजा मंदिर चिश्ती गिव्स के जो इसमें आ रहे हैं कमिंग इन टू द सूफी बिकमिंग अ सूफी डिसाइपल उनके क्या क्या तरीके होने चाहिए क्या उन्हें फॉलो करना चाहिए वॉट एंड uh, सबसे बड़ी चीज़ जो है ना कि वो जो बाबा बुल्ष शाह का है ना कि अपनी यू फगेट आई दट जो हमें हर वक्त मैं 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 करते रहते ना वो भूल जा सो so, वो बहुत सारे बहुत सारे रूल्स हैं हर सिलसिले के अलग रूल्स हैं और हर सिलसिले में फिर जैसे आपने जितने भी आपके डिसाइपल्स हैं उनमें से देन यू वुड चूज़ द बेस्ट टू बी योर खलीफ़ा समू वुड चूज़ मोर देन वन टू बी योर सक्सेसर बिकॉज डिफरेंट रीजन जैसे हज नाम अलिया ने ख्वाजा रोशन चिराग दहली को दिल्ली के लिए चूज़ किया बुरहानुद्दीन गरीब फॉर द डिन सो ही हैड डिफरेंट खलीफाज फॉर डिफरेंट रीजन्स

स्ट्रिक्टस अराउंड प्रेयर डिग्रीज ऑफ स्ट्रिक्टस अराउंड कि कौन म्यूजिक करेगा कौन म्यूजिक भी नहीं करेगा uh. कौन सारे रूल्स फॉलो करेगा कौन फॉर पीपल वो डोनो अलगज़ाली वॉज लाइक अ फेमस इस्लामिक स्कॉलर कुन उसके अंदर सूफीज़म का डायरेक्ट एक्सपीरियंस और

जी दी दादा दा, फोर मेजर सिलसिला तो उसके बाद हिंदुस्तान में आके एक वारसी सिलसिला है जो देवा बाराबंकी में है देवा में है दैट इज़ द मोस्ट रिसेंट दैन यू हैव फिर दो सिलसिला बिहार में बहुत पॉपुलर है इस तरह से करके बहुत से और ऑफ शूट्स आए फ्राम दिस वेरियस सिलसिलास तो हर के अपने अपने कुछ एक तरीके थे कायदे थे

ग्रीक फिलासफ़ी इज बिंग ट्रांसलेटेड इन टू अरबिक रीचिंग दैम एंड देर यू नो लाइक कंटेम्पलेटिंग दैट यह सब फिक्र इन सब चीज़ों पर भी चल रही है एंड दिस इज़ दैट गोल्डन पीरियड ऑफ इस्लाम वेर क्या कहते हैं बहुत सारे थिंकर्स हैं बहुत सारे फिलासफर्स हैं हु आर कमिंग अप विद न्यू फिलासफीज न्यू थिंग्स एंड मतलब चाहे वो एस्ट्रोनमी हो चाहे वो मेडिसिन हो सब में और इन सब में यह सब सूफियों का बहुत बड़ा हाथ था इट इज़ नॉट के सूफी जो थे वो सिर्फ नमाज रोजे मैं

As a means to get closer to God. That I find very fascinating and also challenging because I think don't, modern people cannot do that as, as successfully. Uh, and then in the book, he's found in a semi comatose state, you know, because he's just been in penance and then he'll go, Thai Jata Efir. So, yeah, I mean, like, who was around to even document this and पुरानी कहानियाँ तो जानी चाहिए थी ये सब तो जैसे मैंने पहले मैंशन वो वो किया था कि हसन सिज्जी जो है उन्होंने वो लिखा है फायदल जिसको मॉरल्स ऑफ द आर्ट करके ट्रांसलेट किया है आ, अंग्रेजी में उसमें ये सब कहानियाँ दर्ज बिकॉज एंड दैन देर इज़ अ बुक बाई मौलाना जमाली जिन जो जमाली कमाली के नाम से मशहूर है तो मौलाना हरौली में मोहरौली में जिनकी टू में जी, जी 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 तो मौलाना जमाली ने भी एक किताब लिखी है वह हिज डॉक्यूमेंटिंग ऑल दिस पीपल इन द 16th सेंचुरी सो दी यू नो देयर हैव बीन रिकॉर्ड्स इन पर्शियन एंड अरबिक ऑफ ऑल द सेंट्स यहां तो सारे पर्शियन में ही हिंदुस्तान में मौजूद थे सो so ये सारे इनके रिकॉर्डेड हैं इट्स नॉट के बाद में कहानी आ गई है शुरू में जब ये सिलसिला शुरू हुआ है सोफीज का तो इट वाज एज अ काइंड ऑफ अ रिएक्शन टू द एक्सपेंशनिस्ट फेज ऑफ इस्लाम जहाँ थोड़ा मटेरियलिज्म आ गया था एंड द स्पिरिचुअलिज्म हैड यू नो डिक्लाइंड तो उस वक्त ये जो था ना बहुत एसेटिक प्रैक्टिसेस होती थी बिकॉज द क्रिश्चियन पीरिस व मंगक्स व वेरी एसेटिक

मिलेगी तो डिनाई मी दैट लेकिन मैं अगर आपसे मोहब्बत कर रही हूँ so, so, ने भी चिल्ला नहीं किया और ना ही उन, उनके लिए कोई हमें मिलता है ख्वाजा मोहनदीन चिश्ते के लिए उन्होंने इतने चिल्ले किए हैं लेकिन बाबा फरीद के चिल्ले बहुत मशहूर थे बहुत एसेटिक उनकी जिंदगी थी एंड दैट वॉज हिज वे ऑफिस लाइक मेडिटेटिंग एंड जैसे उनका एक बहुत मशहूर है यहां पे महरोली में अल्लाह की दरगाह है उसमें कुआं है उन्होंने चिल्लाए माकूस किया था जिसमें आप उल्टे टंग जाते हैं तो वो कुएँ में उल्टे टंगे हुए थे चालीस दिन मतलब ही वुड ऑफकोर्स बी टेकन आउट फॉर आर ऑ सो समथिंग मेरे ख्याल से आई एम जस्ट टॉकिंग प्रैक्टिकली फॉर डूइंग वट एवर वॉज नीडेड बट वो उल्टे चालीस दिन टंगे रहे और उसी वहीं पर ये केव है जिसमें वो चालीस दिन भूखे प्यासे रहे थे जिसमें ख्वाजा मोहनद्दीन चिश्ती आते हैं एंड ही फाइन सिमद है इसको हांसी में इस बाबा फरीद बहुत दिन रहे हाँसी में भी उनका एक चिल्ला गा है सो so, बट hmm. बहुत सारे अच्छा जो चिल्ला जो है इट्स रिट्रीट बहुत सारे सेंस जो है वो चिल्ला करते हैं इवन टुडे आई नो चिल्ला में जाते हैं hmm. वो चिल्ला में the, the 40 डेज स्टे इनसाइड वन रूम उनका खाना वाना बाहर आ रख जाएगा जब भी कुछ करते होंगे लेकिन दे डू नॉट मीट एनी बदी देू एनी थिंग वो चालीस दिन सिर्फ इबादत में गुजारते हैं

पेनेंस के अंदर और अप्रेंटिसशिप में यकीन रखते हैं और जिसमें एक स्परिशल डिसिप्लिन भी है उसके ऑपोजिट की तरफ एक ऐसे बोलते हैं मस्त मॉल है कलंदर है, है ठीक है आपने उसका भी बार बार मैंशन करा है तो मेरे को बड़ा फैसिनेटिंग लगा क्योंकि जब हम पॉप कल्चर में देखते हैं ना हम बड़े ब्लाइंडली कुछ लोग अरे यार ये तो सूफी आदमी हम किसी को जिसने लाइफ स्टाइल से बाहर प्रवेश कर लिया ऑल्ट्राउंड उसको सूफी बोल देते हैं तो वो मेरे को बड़ा सही एस्पेक्ट लगा बिकॉज कलंदर uh, like वो हैं जो किसी सिलसिले से जुड़े हुए नहीं हैं कलंदर जो हैं वो दे लव ऑफ द वो अपने में ही मस्त रहते हैं मस्त मौला गुड वे ऑफ डिस्क्राइबिंग देर नॉट टाइड बाई एनी डिस मैनी ऑफ देम जो कलंदर हैं वो घूमते uh, रहते हैं एक दरगाह से दूसरी दरगाह में जाएंगे या पहले खानकाहों में जाते होंगे अब आजकल दरगाहों में जाते हैं एंड वो सेवा करते okay. हैं ओके तो उनका कोई मतलब वो एक लाइक गवर्निंग बॉडी या फिर आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि आज से मैं कल अंदर हूँ जो मशहूर सबसे ज्यादा मशहूर कलंदर है एक तो वो शाबाश कलंदर है जो पाकिस्तान में इंडिया में है बू अली कलंदर पानीपत में दिल्ली में प्रगति मैदान में है मटका शाह वो भी कलंदर थे अच्छा सो दीद पीपल कलंदर का मतलब होता है जो अपने आप उस स्टेज में पहुंच जाता है एंड डज नॉट ओ एलिजेंस टू एनी सिलसिला जैसे आप चलो ठीक है लेट्स टॉक अप एक तो हो गया हमारा डायरेक्ट एक्सपीरियंस वाला एस्पेक्ट एंड द मिस्टिकल एस्पेक्ट राइट देन देर इज ऑल्सो लाइक अ थियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ सुफिजम राइट वेयर लाइक बींग इन अलसिला गारंटी इज यू सर्टन राइट्स एंड प्रिवेजेज एंड मतलब आपको वो वाला एक जैसे एक एक पॉलिटिकल पावर भी मिलती है एक तरह से कि आप अब इस सिलसिला के अंदर अब आप नेक्स्ट लीडर बनोगे सो इज द इस सेपरेट फ्रॉम इट नो आई थिंक दैट इज बिकॉज दे हैव वो शुरू से ही नहीं किसी के मुरीद बने ना हाँ जैसे बू अली कलंदर के लिए कहते हैं उनका नाम बू अली जो कहते हैं वो हजरत अली से उन्होंने वो कर लिया था बैत कर ली थी बिकॉज टू बिकम अ सूफी आप जब किसी से आ, किसी पीर के साथ मुरीद बनते हैं तो आपको बैत करनी पड़ती है विद इज़ गिविंग ओथ ऑफ अलीजेंस ओके तो वो कलंदर ओथ ऑफ एलिजेंस करते ही नहीं है बू अली कलंदर का कहते हैं कि उन्होंने ख्वाब में हज़रत अली को देखा उन्होंने हज़रत अली से न, बैत कर ली And so his, uh, you know, like his peer was Hazrat Ali himself. Hmm. So, ये नहीं कि उनका जो दिल चाहे कर रहे हैं मतलब दे हैव कम टू दे टू दिस पाथ ऑन ओन वो ख़ुद ही इतने इवॉल्व हैं कि वो हर आज के ज़माने के कलंदरों की बात नहीं कर रही आज के ज़माने में तो बहुत लोग ऐसे ही अपने आप कलंदर बन जाते हैं <laughs> लेकिन पहले के कलंदरों की बात कर रही हूँ कि अच्छा। पहले जो थे मतलब दे हैव इवॉल्व इन टू दैट स्पेस दैम उन्होंने खुद पढ़ लिया बहुत से जो मुरीद होंगे उन्हें भाई पीर की गाइडेंस चाहिए इनको पीर की गाइडेंस नहीं चाहिए थी ये वहाँ तक वैसे ही अपने आप पहुँच गए तो ये जो अप्रेंटिसशिप वाला जो हाँ, होता है या पीर मुरी जैसा आपने बताया ये वाला कल्चर ये अब प्रेविलेंट है और अगर है तो अगर आप किसी कंटेम्प्रेरी प्रैक्टिशनर से मिले हो हाँ, और वो अब इस 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 वे ऑफ लाइफ को अब कैसे प्रैक्टिस करते हैं 2022 -20? मतलब आई हज़ार बाईस नंबर ऑफ पीर एक से जो मिली थी मैंने उनसे जब बात की तो उन्होंने कहा कि उनके पास तीन चार सौ ही सेड मुरीद हैं बट इसे इसमें से चार या पांच ही सिर्फ वो हैं जो इस तरीके पे चलेंगे जो वो पाथ पे चलेंगे इस बाकी तो ऐसे ही आके मर जाते हैं जस्ट एज अ वे ऑफ लाइफ इट्स नॉट टू बिकम अ सूफी इट्स जस्ट टू बिकम अटैच टू अ पीर कि भाई कोई आपका मसला है तो आपने आके उनसे पूछ लिया मोस्टली तरह के कोई मसले होते हैं आप आके उनसे पूछ लेते हैं लेकिन जो उस तरीके पे चलेंगे कि वो शरिया तरीका जो वो पाथ है उस पर चलने वाले ही सर इन चार सौ चा, में से करीब पाँच छः होंगे और उसमें से भी एक या दो ही मार्फत तक पहुँचेंगे और आपका ये दरगाह का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपने किताब के अंदर बताया कि यूजली औरतों को अलाउ नहीं करते पर यहाँ पे ऐसा नहीं है यहाँ पे अलाउ करते हैं इंडिया के अंदर अच्छा। इंडिया में भी हर दरगाह में नहीं अलाउ करते हैं अच्छा लाइक यहाँ पे हज़रत नामुद्दी औलिया की दरगाह में कुतुब साहब की दरगाह में नहीं अलाउ करते अजमेर में अलाउ करते हैं अच्छा so that is the these are rules which are followed by each dargat according to their this thing like uh, in uh, my experiences very uh and in many of the places i would i was in the f women's section but uh, अदरवाइज वे अच्छे जैसे हजरत नजामुद्दीन अलिया का दरगाह है बहुत बड़ी है आप उसमें कहीं पर भी बैठ सकते हैं औरतों मर्दों देर आर उनके वो कॉरिडोर्स हैं विच आर डेडिकेटेड फॉर वेमेन बट यू कैन स्टिल इंटरेक्ट विद द मैन बट श्राइन के अंदर नहीं जा सकते इन अजमेर यू कैन गो इन साइड द श्राइन बॉम्बे में माहिम की जो दरगाह है वो बहुत बड़े पीर माने जाते हैं उनकी दरगाह में वेन आई इवेंट सो दे सेट के वील हैव टू यू नो लाइक गिव अ सम टाइम हम इसको देर वर टू डोर दिन हम एक दरवाज़ा बंद कर देंगे फॉर द मैन एंड वील ओपन द door फॉर यू ऑल सो देन वी वेंट in लाइक दैट तो अपने सबके पर्टिकुलर रूल्स हैं जो भी उनके चलते चले आ रहे हैं ट्रेडिशनली सो दे डू दैट बट द एक्सपीरियंस itself is इज अमेजिंग बिकॉज फॉर मी दैट वॉज द यू नो लाइक माई द पार्ट विच आई इन्जॉय द मोस्ट बिकॉज इंटरेक्टिंग विद पीपल हु कम द क्यों आ रहे हैं मतलब आज जैसे पहले जैसे खानका में आ रहा था कोई इंटलेक्चुअल स्टिमुलेशन के लिए इंटलेक्चुअल कॉन्वर्सेशन के लिए आजकल कोई इंटलेक्चुअल स्टिमुलेशन और कॉन्वर्सेशन के लिए नहीं आ रहा आते हैं कुछ लेकिन ज़्यादातर आते हैं एक मांगने के लिए एंड देट इज अगेन अ वेरी डेमोक्रेटिक स्पेस क्योंकि चाहे वो राजा हो चाहे रंग हो ए, कोई भी कास्ट हो कोई भी रिलीजन हो हर कोई जा रहा है सेंट को एक इंटरमीजरी बना के मांगने के लिए क्या मांगते हैं लोग क्या आपने सुनी है लोगों की बात है क्या बच्चा मांग रहे होते हैं जॉब मांग रहे होते हर हैं हर चीज़ मांगते हैं मतलब डिपेंड्स के आपकी जिंदगी में क्या चीज इंपॉर्टेंट है लाइक like, uh, अगर फिरोशा कोटला जाइए अब तो मैंने अभी मैं गई नहीं हूँ कोविड के बाद से मैंने सुना है कि अब वहाँ पे सेल्स जो हैं वो बंद हो गए हैं लेकिन उसमें जो मस्जिद उसके नीचे सेल्स थे hmm. uh, जो उनका जो मदरसा चलता था उसके जो सेल्स थे उस सेल में कहते थे कि जिन रहते हैं सो so, हर सेल में पीपल वुड कम एंड पुट अर्जियाँ अर्जियां पटिशंस वो कागज़ के चिपके रहते थे एंड यू कैन हिंदी में रहते थे इंग्लिश में रहते थे उर्दू में रहते थे सम ऑफ देम आई यू नो लाइक बिकॉज वो ओपनलीस आई कुड रीड समेम इट कैन बी वेरी सिंपल कोर्ट केस हो सकता है साइकिल चोरी हो सकती है कोर्ट केस के लिए लोग आते हैं भाई देखिए जो वहां जा रहा है हाँ। कोर्ट के साथ लड़ तो रहे हैं लेकिन आप ऊपर वाले से, से तो मांगेंगे हाँ, हाँ। ना क्योंकि और बहुत से लोग जो यहाँ आते हैं वो इसलिए आते हैं कि है तो लास्ट रिजोर्ट दे डो नॉट हैव द मीन्स एन द मनी टू यू नो लाइक गो टू अदर प्लेसेज या जैसे एक कोई औरत है अब घर में परेशान है उसके पास कोई नहीं है जिससे वो अपना दिल का हाल कह सके वो दरगाह में आके दिल का हाल कहेगी आके सेंट्स सो दी द स्पेस दीद वेरी इंटरेस्टिंग देकिन कम यू नो लाइक जैसे कि इट कैन बी समथिंग वेरी सीरियस लाइक सिकनेस एंड इलनेस बच्चों के लिए तो बहुत आते हैं शादियों के लिए बहुत आते हैं आप किसी भी दरगाह में जाइए चूड़ियाँ आपको बंधी हुई मिलेंगी सेहरे बंधे हुए मिलेंगे इवन आए जैसे मेरे बच्चों की मतलब मै मैं डॉड ऑफ मैरिड मैंने भी सेहरा जाके बांधा था जोरबाग में दरगाह ये शाह मर्दा में फिर उसके बाद लखनऊ में हजरत अब्बास की दरगाह में जाके मैंने सेहरा बांधा तो सो दीदा जो लोग मन्नत मानते हैं कि सेहरा बांधेंगे चूड़ियाँ बांधते हैं आके मन्नत मानते हैं

कि हर कोई आ रहा है और हर कोई मतलब मुझे जो चीज़ अच्छी लगती थी कि चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो हम सब मांगने ही जा रहे हैं ना वहाँ पे हम और किस हैसियत से जा रहे हैं एंड डी यू इंटरेक्ट विद द द पीर देयर क्या मतलब आई एम टू टू आस्क इज दरगाह फॉर द फर्स्ट टाइम हाउ इम्पोर्टेंट इज इट टू

हर एक वक्त ऐसा आता है जब आपकी बात सुनी जाती है hmm. कोई भी चीज़ जो आप मांगें तो कभी फाल मत निकालो करो डोंट से बैड थिंग्स बिकॉज इट मे दैट बैड थिंग मे कम ट्रू तो किसकी किस वक्त दुआ सुनी जा रही है हमें नहीं मालूम तो मैं हर से कहती हूँ जब भी इल्तम से दुआ कोई कहीं जा रहा है किसी दरगाह जा रहा है कोई ज्यारत पर जा रहा है कोई पिलग्रमिज पर जा रहा है कुछ भी जा रहा है एंड I I always say, I say se dua, pray pray. for for me. So, you know, like whoever is is going going there to pray. Hmm. I went and interacted with a lot of of these the uh, the head, the and the for the sake of this book. Got it, आते होंगे आपको कैसा लगता होगा कि ये लोग प्लेजराइज कर रहे हैं What do you feel about some of the contemporary songs that come out in Bollywood that like say we are Sufi music? चलो किसी तरह से पहुंच ही रहे मतलब <laughs> 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 वो किसी ना किसी तरीके से आ, कुछ अगर वो जो है ना जैसे मैंने इस किताब में भी लिखा है अगर इस किताब को पढ़ के आपके अंदर एक जुस्तजू जु जागती है एक क्यूरियोसिटी जागती है कुछ और क्योंकि दिस इज जस्ट अ ड्रॉप इन द ओशन आई कैन नॉट क्लेम टू हैव कवर्ड एवरी हो सकता है मैंने जो किया बिकॉज इट्स अ पर्सनलाइज जर्नी हो सकता है इसमें भी कुछ चीज़ें मैंने गलत लिखी हूँ और जो मैं अभी कह रही हूँ वो भी मैं हो सकता है गलत कह रही हूँ कि बिकॉज आई एम गिविंग माई पॉइंट ऑफ व्यू इट्स नॉट नेसेसरी के कोई मुझसे अग्री करे या ना अग्री करे लेकिन अगर इफ इट अवेक्स अ क्यूरियोसिटी और इन यू के जो भी इन्होंने कहा है अच्छा ये गलत कह रही है या सही कह रही है आई नीड टू चेक अप ऑन दैट या कोई भी गाना है जैसे वो आया था uh, कुन, कुन रॉक स्टार hmm. का जब कुन फयाकुन आया कुन फया इज़ अ वर्स फ्रॉम द कुरान और लॉट ऑफ पीपल पीपल्स आस्किंग वॉट डज दिस मीन तो एक जस्तुजू थी ना कि आपने फिर वो देखा चाहे इट इज बी बी एन सो इट इज

हाउ मच यू वॉन्ट टू एक्सप्लोर यू मे जस्ट भी है लेकिन अच्छा लग रहा है सुनने में hmm. कोई दूसरा सोचेगा कि ये क्या है इसका क्या मतलब है फिर वो पढ़ेगा फिर कहेगा अच्छा ये इसका मतलब ये है इसके आगे क्या मतलब है इसके अंदर की मीनिंग क्या है तो इट डिपेंड्स ना कि एक जुस्तूज जु जागती है लोगों के अंदर इस किताब को भी पढ़ के अगर किसी के अंदर जुस्तूज जु जागती है देन आई एम सक्सेसफुल एंड मैं उसे वन आया उसे एटीन ये देवर्स टिंग एन एल गोइंग टू हेम एंड अनार फ्रेंड वो लोग यूनिवसिटी के साथ में कैलिफोर्निया जाते थे तो मैं उस टाइम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट था वो लोग थर्ड ईयर स्टूडेंट्स थे तो मैं उनसे मिलने गया था बॉस्टन से एल ए तो वो पता ही मेरे को लगा था कि चलो कुछ मतलब मज़ेदार सीन होगा मैं गया रूम के अंदर दो लड़के बैठ के, के नुसरत फतेह अली खान की कवाली को डिकोड कर रहे हैं बैठ के मतलब एकदम ऐसे अंधेरा रूम है वहाँ बैठ के दोनों डिकोड कर रहे हैं लाइन बाईन पूछ रहे हैं इसका ये मतलब दे कुड बोथ रीड रीट टू एंड आई वज ब्लोन अवे कि ये लड़की क्या कर रहे हैं देर लाइक ट्वेंटी वन इयर बहुत डूइंग बट दे स्टिल डू इट एंड दे स्टिल एटलीस्ट आई नो आदि डज इट एंड इट्स इट्स बिकम अ कोर ऑफ हिज हिज म्यूजिक एज वेल

सो इस पूरी वैन यूर राइटिंग दिस बुक इज इट टू कम अबाउट सिक्स वट व टफेस्ट पार्ट और मोमेंट्स ऑफ राइटिंग दिसक वॉज इट लाइक कभी आप यूर लाइक इन बिहार एंड दरगाइक वो आओ दिस बुक हैजेक और लाइक मुश्किल पार्ट क्या आता है इसके बारे में लाइक द अकेडमिक पार्ट ओके बिकॉज अंडरस्टैंडिंग अकेडमिक कंसेप्ट बहुत सारे मेटाफिजिकल कंसेप्ट उनको समझना वही बहुत ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि हम बहुत सिंपली हर चीज़ से रिलेट करते हैं hmm. लेकिन जब आप इस तरह की किताब लिख रहे हैं तो आपको बहुत गहराई में जाना पड़ता है जब आप समझेंगे नहीं तो आप लिखेंगे कैसे उसके बारे में सो दैट वॉज द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ इट आई वुड से वॉज टफ़ दिलसिला के बारे में इट वॉज नॉट टफ बट इट वॉज वेरी क्या कहते हैं चैलेंजिंग क्योंकि आप uh, सिलसिले के बारे में राइट इन ए इंटरेस्टिंग वे Yeah. दूसरा जो है जब पढ़ रहा है तो उसको इंटरेस्ट uh, जागना चाहिए टू नो मोर अबाउट इट सो दिस बुक ऑफ माइन इज मो के आप तक पहुंचे आप तक कम्युनिकेट करें एक सेंस एंड यू वांट टू लर्न मोर अबाउट इट सो फॉर मी वन चैलेंज वाज टू मेक द बुक इंटरेस्टिंग फॉर अ ले पर्सन दैट ही मे वॉन्ट टू नो मोर yet convey myself so this is as i said is a very personalized uh, book that's how i write i write in a very i write in a first person of how my experiences are and then i explore the academic first i talk of my experiences and then i explore the academic part of it or the metaphysical part of it or the spiritual aspect of it yeah which reminds me in one of the chapters you mentioned how you were told stories of Aladdin as a kid. And then, and then from there, the idea of jins came out. I've only read like a few...

मखलू मतलब थ्री क्रीचर्स दैट गॉड हेज मेड वन इज द एंजल्स मलायक हुआ मेड आउट ऑफ लाइट नूर एंड दे आर वेरी प्योर मतलब दे uh, अगर मैं आज के ज़माने में बात करूँ दे प्रोग्राम डोनी टू वॉश एप अल्लाह दे के नॉट डू राइट अ रॉन्ग लेकिन जिन जो है दे मेड आउट ऑफ स्मोकलेस फायर दे केन डू राइट दे केन डू रॉन्ग उनकी फ्री विल है इंसान जो है वो मिट्टी से बनाए और इंसान और जिनों में फ़र्क ये है कि इंसान के जिस तरह से बनाए वैसे ही रहेगा जिन्स कैन भी शेप शिफ्टर्स एंड hmm. जो जिसको इब्लीस कहते हैं शैतान जिसको हम कहते हैं वो एक जिन ही था उसने इतनी इबादत की इतनी इबादत की कि स्टार्टेड स्टेइंग विद द फरिश्ताज वो मलायक के साथ रहता था लेकिन अंदर तो, तो थे थे। उसके एक वो थी ना ही वॉज नॉट प्रोग्राम टू ओनली डू गुड कि जब अल्लाह ने बनाया आदम को एन ही सर इसको सजदा करो ही सर मैं इसको सजदा क्यों करूँ ये तो मिट्टी का बना हुआ है मैं आग से बनाऊँ सो जैसे यू नो हिंदूज के अंदर लोग असुरु का और ऐसे देते राक्षों का मानते हैं इस इस इज अ पार्ट ऑफ लाइक द द इस्लामिक लाइक आप देखेंगे आप किसी भी दरगाहों में जाएंगे आज के जमाने में सेवेंटी एटी परसेंट ऑफ द दरगाह पीपल कम दे के उनके ऊपर असर हो गया है

या दर इज मैं जैसे मेरे को पता है इट इज़ द रोल ऑफ द सूफी म्यूजिशन कबाल कि अगर आपने किसी को ट्रांस में डाला है देन यू मेक श्योर कि आप उसके ट्रांस को ऊपर तक लेके जाओ बट यू डोंट ब्रेक इन द मिडल अदरवाइज दुड पॉसिबिली इन दैर एक्सरसाइड स्टेट एंड यू वाइट लूज देम फॉर एवर ये एक चीज है जब जहाँ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज म्यूजिशंस की दूसरे इंसान के ट्रांस को संभाल के रखें दैन यू ऑल्सो मैंशन इन द बुक कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अब मेंटल uh, इलनेस जिनको है एंड उनको दरगाहों में लेके जा रहे हैं लोग कि दरगाह में ही फिक्स हो जाएंगे लाइक आई फाउन दो पैस इट इज़ डिफिकल्टू री बिकॉज लोग पीपल आर ऑल्सो चेंज टू द लेसर नोन पार्ट ऑफ द दरगाह फॉर बींग मेंटली इल एंड एंड सो यू ऑल्सो एक्सपीरियंस लाइक जो पोजेस्ट uh, mm -hmm. लोग है वो भी वहाँ पर आते हैं इन द होप्स ऑफ What what were some of those experiences I have like? I've seen that from childhood. I've seen them uh, क्या कहते हैं हम लोग जैसे छोटे थे तो जोगी पुरा रा, जोगी रामपुर एक जगह है नेहरू राजाबाद हम लोग वहाँ जाते थे it's connected to Hazrat Ali I've talked of that in the book वहाँ पे बहुत लोग आते हैं इस तरह hmm. से and you know like as children we couldn't understand कि इनको क्यों chain करके रखा हुआ है whose Tikri is another place near Ratnaman in Madhya Pradesh जहाँ बहुत लोग आते हैं एंड बाकी हर दरगाह मुझे जैसे यूपी में कि चौचा शरीफ है वहाँ आते हैं uh, ये कल्याण शरीफ है इन की वहाँ बहुत आते हैं साउथ में भी बहुत सारी दरगाहें हैं जहाँ पे इस तरह की चीज़ें होती हैं तो दे कम दे बिकॉज एक तो देखिए देर uh, ज़्यादातर औरतें होती हैं एंड आई टॉक्ट ऑफ द टेबूज एंड हैव टॉक्ट ऑफ हाउ डज इस्लाम व्यू इट इस्लाम डज़ नॉट इनक्रेज दैट इट डज़ नॉट इनकरेज कि आप यू नो यू बिलीव डू नॉट गेट ट्रीटमेंट डाइन एंड यू बिलीव इन दिस काइंड ऑफ एक्सोजम हाँ दुआएँ होती हैं कुरान शरीफ की आयतें होती हैं जो हम लोग पहनते हैं फोर प्रोटेक्शन बट इट डज नॉट से मतलब इट टॉक्स ऑफ अ वेरी होलिस्टिक एक्सपीरियंस ऑफ हीलिंग योर सेल्फ लेकिन बहुत से अगेन मतलब जो मैंने लोगों से बातें करी जब आई टॉक टू अ लॉर्ड ऑफ द केयर टेकर्स ऑफ दिस बिकॉज वो तो खुद इस uh, हालत में नहीं थे कि मुझसे बात करें लेकिन मैंने केयर टेकर्स से बात करी उनके तो दे यू नो लाइक मोस्टली देर आर वेमेन मैनी ऑफ द माई यंग गर्ल्स तो एक क्या होता है ना एक टबू होता है एक लड़की के लिए आप किसी साइकेट्रिस्ट के पास किसी लड़के को लेके जाए ना फ़ौरन हुआ जाता है कि मतलब एक्सक्यूज़ मी फॉर द टर्म बिकॉज इट्स नॉट द टर्म आई वुड यूज बट दैट्स द टर्म दैट्स कॉमनली यूज कि ये पागल हो गई है एंड दैन दैट गर्ल उसकी भी शादी वादी सब होना मुश्किल हो जाती है सो कमिंग टू अ दरगाह इज़ वेरी अनोनमस इट्स ऑल्सो चीप आज कल साइकैट्री इज नॉट चीप इट्स काउंसिलिंग के लिए कितने हज़ारों जाते हैं पर आप किसी मतलब आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी जाएँ तो वहाँ पर इस तरह की आपको पर्सनलाइज केयर मिलेगी भी नहीं तो बहुत सी दफ़े तो इलाज भी नहीं ठीक से हो पाता है आई एम टॉकिंग ऑफ द लोअर इकनॉमिक स्टाटा जिससे बहुत लोग आते हैं कि उनके लिए फिर दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन कपल ऑफ पीपल हू जैसे इन डेक एंड शांता बी किसोर्ड फिर वो हर अमावस्या को आती थी सेवा करने के लिए सो हाँ. so, ये सबकी बिलीफ है आई इन नो वे I've ऑफ इट दिस this throughout द चैप्टर के डू not avoid medical help. Right. आप दुआएं मांगिए मतलब ये नहीं है कि हम जैसे कि अगर बीमार हैं हम तो हम दुआ जरूर अपने लिए मांगेंगे लेकिन डॉक्टर के पास भी जाएंगे so that is something that i've talked about okay you know that there is no alternative to like in one place i even offered money i gave money to that uh, the caretaker and said the hospital le jaiye. but i'm not sure okay because i could see it they could not afford that but i do not know whether they did take that girl or not सो so, अब ये सब बिलीवस हैं विच नीड दिस इज वन एस्पेक्ट दैट्स वेरी डिस्टर्बिंग एंड विच नीड्स टू बी अब जैसे मैं यहाँ देख रहे थे कि हजरत नाउद्दीन अलिया की दरगाह में जहानारा बेगम की वो है इंक्लोजर है क़ब्र है right. उस पर मैंने बहुत दफे लड़कियों को देखा अभी देखा तो उस पर ताला लगा था विच इज़ अ वेरी गुड थिंग बिकॉज ताला लगा इसके कि वहाँ आप नहीं जा सकते इस काम के लिए राइट right. हाँ मैंने भी उस किताब के अंदर देखा हाँ, था दैट यू मेंशन दैट सो यू यू नो लाइक हैव टू फाइंड वेज ऑफ डिस्करेजिंग दिस कि ठीक है आप दुआ मांगे दुआ मांगना तो बहुत अच्छी बात है बिकॉज जैसे कहते हैं ना कि दुआ और दवा दोनों चीज़ चाहिए होती है किसी भी मरीज़ के ठीक होने के लिए लेकिन सिर्फ दुआ पे ना निर्भर रहिए दवा भी चाहिए राइट करेक्ट करेक्ट हाँ अक्सर ऐसा हो जाता है वेर मीन I mean, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि अगर आप थोड़ा बुकिंग क्लास इंडिया के अंदर भी देखो कि

These jins जो हैं ना वो these are very good forces hmm. जो दरगाहों में होते हैं and they help you मतलब that is what the belief is कि ये jins जो हैं उनके उसमें वो लोग चिल्ला करते हैं सब करते हैं वे there is a concept of mawwakils which मतलब somebody will have to read the whole book to understand that lekin wo muwakkils are people who are helpers of the jinns they are between jinns and angels they're not jinns totally jo who help in exercising the patient so uh, it. it's not के मतलब जैसे हम अच्छे जिन भी होते हैं बुरे जिन भी होते हैं so the बुरा जिन scan of course possess you and uh, trouble you but अच्छे जिन help you to take uh, to exercise exercise it so so there is an element of exercise in sufi dargah हाँ हाँ and this is not just here I went to, I recently went on a tour of Europe I went to Poland Krakow and there I saw a church where uh, dedicated to uh,

एंड ऑल दिस पीपल आर हुर यू नो लाइक एंड इनके नक्शबंदी सिलसिले में बहुत स्कॉलर्स हैं सौरव में बहुत स्कॉलर्स हैं यहाँ पर भी हैं स्कॉलर्स इट्स नॉट कि नहीं है बहुत से स्कॉलर्स हैं हु आर कॉन्स्टेंटली एंड सूफीजम के स्कॉलर्स हैं जैसे उनका एक जैसे आई जॉइन देश ग्रुप्स दिस बुक वे पीपल जैसे इबन अरबी के बहुत सारे वो हैं ग्रुप्स हैं so oh. these are people who there are people who are doing all uh, who are you know like promoting this scholarship and who are sufis एक um, in my on my Facebook also I have a couple of people whom I follow but क्योंकि वो खुद जो है ना एक पर्दा रखना चाहते हैं तो I don't want to of course haan. of course because I, yeah. जैसे एक uh, sufī practitioner से मुझसे कहना है he said मेरी जात अब कुछ नहीं बची अब सिर्फ उसकी जात है so uh, he wanted that पर्दा

Which was not the fact. It was just that he felt that union with God. So that is something that, when uh, he Sufi he is called Mansur -e Sani. Okay. जो जामा मस्जिद के बगल में ही थे उनकी श्राइन है लाल रंग की उनके लिए कहते हैं ना कि फॉर हिम द लेजेंड इज दैट ही मतलब ये तो हिस्टोरिकल पार्ट है कि ही वॉज एग्जीक्यूटेड बाय औरंगजेब ऑन चार्जेज ऑफ एपोस्टसी एंड ब्लास्फेमी तो उनके लिए ये मशहूर है कि जो कलमा है ला अः अलल्लाह मोहम्मद रसूल दैट वो ला अः अल्लाह का देर इज़ नो गॉड बट गॉड तो ही ओनली से ला ए I did not say illallah. That is what is famous for him. And when he was asked, he said, I am still steeped in negation. I have not reached that stage of affirmation. Hmm, so he so, doesn't blindly follow what is being told haan. to him. So uh, uh, he was executed. So, when, and they say that when he when he was executed, his head started saying illallah. Yeah. So he reached that final stage after execution. But So it's very interesting. I usually thought that throughout history,

यू नो लाइक एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉर्पस ऑफ इस्लामिक लिटरेचर और थियोलॉजी एग्जिस्ट करता है वाई वर दीज मिस्टिक्स गिवन मोर एंड लाइक सी दैट एग्जिस्टिंग कॉर्पस ऑफ लिटरेचर जो इस्लामिक लिटरेचर था वो भी तो ये पढ़ा ही रहे थे ना वो पढ़ रहे थे उसके बारे में भी तो बात ही कर रहे थे फिर दूसरी ये है ना कि ये लोग दिलों पर बादशाहत कर रहे थे सो so, आप ये देखिए ना कि वो क्यासपुर जो ग्यासुद्दीन बलबन के नाम पे रखा गया था आज के दिन किसी को नहीं याद है कि वो ग्यासपुर था या यासुद्दीन तो बलबन कौन है आप किसी से पूछ लीजिए गयासुद्दीन बलबन के बारे में शायद हिस्ट्रीज कॉलेज जानेंगे और कोई नहीं जानेगा right. लेकिन निजामुद्दीन अली आप नाम ले लीजिए सब जानते हैं huh. तो वो ग्यासपुर का नाम ही आप हजरत निजामुद्दीन बस्ती हो गया

दैट कट hmm. so, ये देखे, कितना सिंपल सी एक बिलीफ है कि मतलब आप डिविजन पैदा करने के बजाय यूनिटी पैदा करना चाह रहे कौन नहीं मानेगा इनको hmm. So, are there? I mean, this is a. Okay. I want to know how many pages. Like, probably 386 pages is it oh, no, Four hundred. Four hundred, <laughs> really, really, four hundred. Four hundred something. A second. Uh, no, sorry, 386. 386. Right. Yeah, yeah. I Just opened the last are page because there are endnotes. now you've used extensive uh, bibliographies. Ha. Ha. So, did you go to like? Uh, did you actually go to libraries? Was this like collected online? Because ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता है मेरे को हर बार ये जानना मोस्ट ऑफ देम आई बॉट अ लॉट ऑफ बुक्स आई रेड अ लॉट ऑफ बुक्स ऑनलाइन ज आई रेडिली गोइंग टू लाइब्रेरीज आई डेड लाइब्रेज बट गोइंग टू लॉट ऑफ लाइब्रेरीज डिफिक्ट मैंने बहुत सीताबें जीरोक्स करके रखी हुई है घर पर hmm. जो नहीं अवेलेबल है या जैसे बहुत सी किताबें हैं जो वेस्ट में पब्लिश होती हैं वो देर एग्जॉबेंटली एक्सपेंसिव सो दैट चालीस हजार पचास हजार की है तो फिर वो मैं

इन ब्रूस लॉरेंस इन सैयद हसन नसर इनकी पूरी पूरी मैंने किताबें पढ़ी लेकिन बहुत से स्कॉलर्स थे जिनकी किताबों में से मैंने सिर्फ वही पाठ पढ़, पढ़ा जिसके बारे में मैं बात कर रही थी बिकॉज अगेन सूफिज्म मतलब ये जो लोगों ने सूफी स्कॉलर्स हैं कुछ कुछ बहुत स्पेशलाइज्ड हैं सिर्फ एक ही एस्पेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके बारे में जैसे मुझे उस पर्टिकुलर सेंट के बारे में इतनी इनडेप्थ नहीं चाहिए थी लेकिन कुछ थोड़ी सी उसमें से मुझे नॉलेज मिल गई सो दैट इज वाय सजेस्टेड रीडिंग इज द बिकॉज किसी भी कोई भी आ, आगे पढ़े तो उसको एक मालूम है कि एक रास्ता है मैंने mm. भी बहुत बिबलोग्राफी किताबों की पढ़ी कि अच्छा इस किताब से मुझे आगे ये मिलेगा इस किताब से मुझे ये मिलेगा सोट ऑफ्राफी क्योंकि आप समझ ही नहीं सकते ना अच्छा आई रेट अ लॉट ऑफ पेपर्स पेपर्स मैंने बहुत पढ़ेडमिया हो जस्टोर हो इससे पेपर्स ले लें दैट हेल्प्स यू क्लियर योर माइंड बहुत चीज़ें जब आप ज्यादा पढ़ भी लेते हो ना तो वो भी एक ओवरलोड हो जाता है करेक्ट करेक्ट आई मीन वोट इज वेरी इंटरेस्टिंग दो इज दैट यूर बुक इज लिटली स्टीड इन यू गोइंग आउट टू दरगाज एंड मीटिंग पीपल एंड ऑल्सो अकेडमिक अगर शायद सिर्फ अकेडमिक होती तो इसका जो लाइक द हार्ट ऑफ दुक वॉब फैक्ट दट यू गो टू डरगाट दट आईन मैं चार जगह में नहीं जा पाई uh. was Tamil Nadu, uh, Assam, Odisha.

ओवर दो यर्स ओवर दो जैसे क्या कहते हैं जो डेकिन की दरगाह है तो दिस फ्रेंड ऑफ माइन अलका कौशिक अब बल्कि शी एट कम फॉर माई बुक लॉन्च तो उससे मेरी बात हो रही थी तो वी बॉट अ टिकट वन वे टिकट के हम लोग हम्पी जाएंगे बिदार जाएंगे गोलकुंडा जाएंगे बीजापुर जाएंगे बिकॉज वी वॉन्ट शी इज़ ऑल्सो हेरिटेज एंथूजिया तो हमने इसको हेरिटेज कम सूफी ट्रिप रखी थी तो मैंने उससे वो हो गई थी मैंने कहा हम्पी के बारे में अलका तुम मुझे बताना जहाँ दरगाहें होंगी मैं तुम्हें बताऊँ होगी सो वी वेंट विद वन वे टिकट एंड के हमने कोई रिटर्न फिक्स नहीं किया था कि जब हम सब देख लेंगे तो हम वापस आ जाएंगे दैट इज वी कि जब हम हमारा दिल भर गया कि हमने सब देख लिया सब समझ लिया वी जैसे कहीं बस से हम जा रहे थे कहीं हम टैक्सीज हायर करके जा रहे थे यहां से तो हम ट्रेन से गए थे हैदराबाद एंड वी स्टार्टेड फ्राम हैदराबाद फिर वहां से हमने बस हम्पी ली हम्पी से हमने फिर टैक्सीज हायर करी टू गो टू गोलकुंडा टू गो टू बीजापुर टू गो टू बिदार एंड ऑल दो प्लेस तो एक तो ये ट्रिप थी देन जैसे कश्मीर में

I mean, I know Delhi's cities are different, but just, I think Delhi really expands the more you start walking on foot, you know, like, because if you just go from one part of South Delhi to another part of North Delhi, you don't see but uh, I still find it. It's very fascinating. as a city that you just take one wrong turn and you end up exactly where you did not expect to be. And it's usually a happy coincidence. यू नो डेली हैज़ सो मेनी मिस्ट्रीज एंड सो मेनी एडवेंचर्स मतलब मैं बारह साल कह दूँगी अब हो गया होगा दस दस साल तो हो ही गए हैं उसको दस बारह साल उसको एक्सप्लोर करते करते अभी भी आई कम अक्रॉस प्लेसेस ओ ये तो मैंने देखा नहीं अभी तो मुझे यहाँ भी जाना है <laughs>

Uh, that other people could not which i also thought was very fascinating how did sufism really travel to india though like how did it happen it came with the armies no that's that i've described मुल्तान और सिंध में आता है hmm. या जैसे हजरत यहाँ जो हिंदुस्तान के सबसे मतलब अभी तो वो पोशन पाकिस्तान में चला गया है दाता बख्श ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस टू द अर्लीस्ट सोफीज कम दाता बख्श जिनके लाहौर में है एंड देन वहाँ से क्या कहते हैं इससे इंडिया के जो सबसे फेमस अर्लीस्ट वन ऑफ़ द अर्लीस्ट मोस्ट फेमस सोफीज ख्वाजा गरीब नवाज़ hmm. अजमेर के वो उनका ये कहते हैं कि वो तो रह रहे थे वहीं पर मिडल ईस्ट में मतलब सेंट्रल एशिया उसमें रह रहे थे ही कम्स फॉर हज

बुक आई रेड कवर टू कवर ऑफ द फर्स्ट बुक्स अबाउट हाउ एंड एक सूफी को क्या क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए क्या करना चाहिए कंसेप्टन करते हैं वो प्रैक्टिस एक्सप्लेन करते हैं सो so, वो वहां पर भी आएन ही कम्स टू अजमेर Yeah. So, the, मतलब देर वॉज अ लॉट ऑफ रीजन जैसे उसका जब मोंगोल अटैक्स हो रहे थे सेंट्रल एशिया इज़ बीग अटैक्ड बाई द मंगल्स जो वहाँ पे स्कॉलर्स uh, थे जो वहाँ पे इंटलेक्चुअल थे जो वहाँ पे स्परिचुल लीडर्स थे वो सब हिंदुस्तान आते हैं क्योंकि उस वक्त द डेली सल्तनट वॉज प्रॉस्परिंग इट वॉज अपोज टू बी अवन फॉर ऑल दिस पीपल एंड निजामुद्दीन अलिया निजामुद्दीन ओलियाज फैमिली कम्स इन दैट वहाँ से वो सेंट्रल एशिया सेप द मोंगोल इन्वेशन एंड यहाँ पे दवरीबडी नोज के द ओनली प्लेस वेद एक्चुअली द मंगल फेस डिफीट वॉज एट देंड ऑफ अलाउद्दीन खिलजी सो यहाँ पे एक हेवन था यहाँ पे नए नए सल्तनत शुरू हुई थी यहाँ पे फ्लरिश कर रहा था आर्ट आर्किटेक्चर और उसी ज़माने में बहुत सारे सूफी सोफीसी यहाँ आते फिर जब साउथ में बामिनी डिन में जब बाहमिनी किंगडम है तो वहाँ पे आते हैं

Yeah. In America, like when I went to Sacramento, I heard of a Sufi circle there. I didn't have enough time to go and meet them and all that, but I know. And as I said, I have a lot of Facebook friends. So uh, from them, I know, from these groups, I know that they are all very active.

Is there what are some of the difficulties in writing a history book? Like, is it a mixture of making sure that oral history be there, written records be there? Like, because you know, pe lots of people nowadays are like obsessed with the revisionist history. Yeah, uh, you know, revise this and revise that. Uh, this is happening all across the world. Malcolm Gladwell is a podcast called Revisionist History, right? So, I mean, as a history scholar and professor, what are some of the challenges in writing a history book? See, for me. जो मेरी अपनी ट्रेनिंग है इन के हिस्टोरियोग्राफी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सॉरी व्हाट इज दैट हिस्टोरियोग्राफी द सोर्सेस ओके तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हर चीज़ क्रेडिबल सोर्सेज में करो हवा में से मत आप थ्योरीज ले आओ एंड इफ जैसे ओरल हिस्ट्री आइडियल अट विथ ओरल हिस्ट्री अगर ओरल हिस्ट्री भी मैं कर रही हूँ तो स्पेसिफा है कि ये ओरल हिस्ट्री है दिस मे ओ मे नॉट बी ऑथेंटिक बट दिस इज हाउ पीपल सी इट सो अगेन दैट बिकम्स फ्राम एन एंथ्रोपोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू बिकम्स इम्पॉर्टेंट दैट्स वट पीपल बिलीव इन एंड दिस इज अ बिलीव दट गोइंग अवर सेंचुरीज अगेन दिस इज नॉट अ बिलीव विच इज हार्मिंग एनी बडी इज नॉट अ बिलीव दट इज It's, uh, you know, like that's going against any historical, uh, uh, what should I say, theories. But as far as history whatever you write, this kind of history is narrative history. Where you are writing it in a very engaging, interesting fashion for the people to understand. It's not an right. academic book. But uh, it's still based in all, as you talked about the bibliography, it's all based on uh, एक्चुअल प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेस इट्स नॉट कि मैंने उठ के एकदम अपने आप से कुछ हवा में अपने आप लिख दिया आई एम नॉट देट देट अ स्कॉलर देर आर मैनी स्कॉलर्स हु कुड प्रॉब्ली राइट अ बुक विदाउट कंसल्टिंग एनी अदर रेफरेंस बट हाँ आई सपोज बट आई एम नॉट आई क्या कहते हैं मतलब आई कंसल्टर ऑफ बुक्स आई टॉक अबाउट दैम एंड आई गिव एवरीबडी क्रेडिट चाहे कोई भी हो चाहे बड़ा हो छोटा हो कोई भी हो आई गिव क्रेडिट टू एवरीबडी देट आई एव कंसल्ट एंड टॉक टू have people actively encouraged or discouraged you while you were pursuing the writing of this book no no, no? I, I was encouraged by everybody in fact the response to this has been very encouraging by everybody like on instagram twitter whenever i most people have said that uh, you know they said there's a purity of faith that comes through and that probably is my own faith yeah because mira apna me यू नो आई वुड नॉट से कि मैं 24 घंटे कुछ दुआएं पढ़ती इबादत करती हूँ वो नहीं करती हूँ लेकिन मेरा बहुत पुख्ता फेत है कि यू नो लाइक वाट आई एम डूइंग एज लॉन्ग एज आई एम श्योर ऑफ वॉट आई एम डूइंग तो यू नो लाइक आई डोंट वो एक कहानी है उसकी लेला मजनू की कि दे वॉज अ पर्सन हु वॉज प्रेइंग एंड uh, मजनू जो है तो मजनू की तो कहानी बहुत मशहूर है कि वो लैला के मोहब्ब इश्क में वो पागल हो गए थे द नेम मजनू कम्स फ्राम दैट बुक नाम उनका कैस था मजनू मींस दीवाना कि वो इतने दीवाने हो गए थे कि उन्हें पता ही नहीं था वो लैला लैला करते तो ये आदमी कहीं डेजर्ट में नमाज़ पढ़ रहा था और मजनू सामने से गुजर जाते हैं वो लैला लैला करते हुए तो ये जो नमाज़ पढ़ रहा था ये उसे कहता है कि तुम किस तरह के आदमी हो तुम मेरे सामने से गुजर गए तुमने देखा नहीं कि मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ एंड मजनू से इसके मैं तो लैला के इश्क में इतना खोया हुआ था कि मैंने देखा नहीं आपको आप तो अल्लाह की बात कर रहे हैं आपको तो मुझसे ज्यादा खोना चाहिए था आपने कैसे देख लिया कि मैं सामने से गया वेन यू फील दैट स्पिरिचुअलिटी विद इन यू सो देन यू डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय स्मॉल थिंग्स

कन्वे वॉट आई हैव के मतलब जैसे बीच में मैंने वो बात करी है उसके बारे में कि एक दौर वो आया था जब ओरिएंटलिस्ट को लगा कि इस्लाम इज़ अ बाबैरिक रिलीजन एंड इस्लामो फो भी आज भी है एंड सो हाउ कुड समथिंग सो ब्यूटिफुल लाइक सुफिजम बी पार्ट ऑफ दैट सो दैट वॉज वॉट आई वॉन्टेड टू कंटेस्ट एंड वॉट इज वॉट आई वॉन्टेड इस्लाम ख़ुद बहुत खूबसूरत है लेकिन हम मुसलमान जो क्या कर रहे हैं यू कैनॉट ब्लेम यू कै नॉट ब्लेम वॉट अ सेक्शन ऑफ़ फॉलोवर्स ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन आर डूइंग ऑन द रिलिजन सेल्फ बिकॉज दैट मीन्स हम मज़हब को फॉलो ही नहीं कर रहे ना अगर हम मज़हब को फॉलो कर रहे हैं या हम उस दिन पर चल रहे हैं जिसमें इतनी खूबसूरती है और हम उसके नाम पर गलत काम कर रहे हैं तो फिर हम गलत हैं ना hmm. तो आपने इसके अंदर मैंशन करा कि आई थिंक कार्ल ने किसने बोला कि जब से वहाब का वो आना शुरू हुआ तो फिर बिकॉज uh,

I do not consider that I'm praying to say even when I went to Madina, when I went to masjid मस्जिद -e ए and I went to the Prophet's grave, I recited the Fatiha for him, I did all the prayers. मैंने दुआ जो मांगी तो उनसे नहीं मांगी मैंने ये मांगा कि मैं इतनी पाक जगह इस वक्त खड़ी हूँ sacredness of this place, the sanctity of this place कि इनको मैं वसीला मान के दुआ मांग रही हूँ तो अल्लाह कैसे मना कर सकता है अब मैं उनके महबूब को वसीला बना रही हूँ ना मतलब इट्स लाइक यू नो लाइक जैसे कि एक छोटा बच्चा है वो उसे बाप से कुछ चाहिए लेकिन उस, वो उडर रहा है वो माँ से कहेगा कि मुझे ये दिलवा दो सो इट्स नॉट कि यू आर डिनाइंग द द फादर यू आर नॉट डिनाइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ द फादर बट यू वांट टू रीच द फादर थ्रू सम फ्रेंडली वे इन बिकॉज यू आर कैर्ड ऑफ गोइंग दैट सो ये जैसे मैं मतलब आई हैव टॉक्ट ऑफ इट इन द बुक कि जब मैं मस्जिद नब भी गई वी हैड गॉन थ्रू अ डिफिकल्ट स्पेस मैं वहाँ जब गई तो मैं थ्रू आउट यही गाती रही भरदे झोली मेरी या मोहब्बत सो फॉर मी दैट

So, you know, these are, uh, these are all matters of very personal faith. Yeah. So it cannot be, your experience and my experience will not be the same in the same place. It comes back to tasafuf. Yes. Not only that, your, our sensibilities also. Right. How, what my sensibilities are will be different from your sensibilities. I I will you will it Correct. <laughs> well, Rana, I have to say it's been a pleasure having you uh, on my show. And uh, people can buy in search of the divine living histories of Sufism in India uh, online on Amazon and other places on the shared website, I think. And they can follow your uh, handles. You are Rana Safi on Instagram or on Twitter. Pay also. I am Rana. Twitter, pay I am Rana. Okay. And anywhere else? Uh, facebook i have a page but i'm not active on it wonderful wonderful who is active on facebook pages nowadays i don't <laughs> think anyone is i'm most active on instagram these days yeah you really like it more than facebook uh, yes facebook is you know like uh, a family picnic Yeah. instagram is where uh, the teacher in me has never died <laughs> <laughs> you also have a not... youtube channel by the way that yes. we're, we're going to tag yes, right I where do you, you post uh, panel discussions and uh, your own short little uh -huh. videos talking about architecture, uh -huh. history. But the, the teacher in me, after having retired from active teaching in schools, now teaches on social media platforms. But yeah, <laughs> now you can teach the world. Before that, you can only teach a handful of students. Well, thank you so much. It was really a pleasure. And uh, Thank you so much. Yeah. <laughs>